Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड में हर साल बहुत सारे लोग फिल्मों में डेब्यू करते हैं। उनमें से कुछ लोग तो वक्त के साथ सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौका तो मिलता है लेकिन फिर वो अचानक हो जाते हैं गायब। ऐसे ही नामों में से एक है रुचिका पांडे। रुचिका ने साल 1991 में फिल्म प्यार का सौदागर से डेब्यू किया था। इस साल रुचिका की लगातार दो फिल्में रिलीज हुई थी, भाभी जी घर पर हैं की विभूति नारायण मिश्र फेम एक्टर आशीष शेख के साथ रुचिका फिल्म यारा दिलदारा में भी नजर आई। आपने 90 के दशक का सुपरहिट गाना बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम तो सुना ही होगा। ये गाना रुचिका और आशीष शेख पर यारा दिलदारा में फिल्माया गया था। ये फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर जतिन ललित की पहली फिल्म थी। साल 1992 में रुचिका फिल्म मिस्टर बॉन्ड में अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। इस फिल्म में रुचिका और अक्षय के अलावा शीबा और वैशाली सूद भी मुख्य भूमिकाओं में थीं। इसके बाद इसी साल रुचिका की एक और फिल्म उमर 55 की दिल बचपन का भी रिलीज हुआ। इस फिल्म में कादर खान, अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर जैसे कई बड़े कलाकार थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद रुचिका ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इसके बाद वह दुबई चली गई और उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपना सफल करियर बना लिया।